डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए फ्रेंड, आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज आपको हम बताएंगे कि WBUTTPA के अंडर से जितने भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं उनका जो है थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा। तो यानी कि सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, नवंबर में ही आप लोग का रिजल्ट भी आ चुका है, जबकि दिसंबर और जनवरी भी अभी पार होने लगा, आपका 2 महीना हो गया, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी तक आपका नहीं हुआ। तो आपका जो एग्ज़ाम है कब होगा और ये जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, कैसे होगा, वो सारा डिटेल इस वीडियो में अभी आपसे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको डिटेल से समझ में आएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन, या फिर आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा, क्या है इसके रिलेटेड अभी नोटिस। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं एक एक करके पूरा खबर कि क्या है इस रिलेटेड, कोई नोटिस जारी हुआ है कि नहीं, या फिर कोई सूचना मिला है कि नहीं। तो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज हम कि आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा थर्ड सेमेस्टर का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं, सर थर्ड सेमेस्टर को लेकर कोई वीडियो बनाइए, थर्ड सेमेस्टर का क्या है इन्फॉर्मेशन कुछ दीजिए कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, अभी 2 महीना पार हो चुका लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ थर्ड सेमेस्टर का, और जबकि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है आप लोग का। तो जितने स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर में उन लोग के लिए ये है वीडियो, इसमें आपको डिटेल से हम अभी समझाएंगे और दिखाएंगे कि क्या है नोटिस आपका बीएड रिलेटेड एग्ज़ाम को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि क्या है नोटिस इसमें आपका बीएड का थर्ड सेमेस्टर को लेके। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट ऑन करके दिखाते हैं कि क्या कहा गया आपको इस रिलेटेड, अभी जो बीएड रिलेटेड नोटिस कुछ जारी किया गया कि नहीं। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए द वर्धमान द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये है आपका ऑफिशियल साइट, इनका जो WBUTTPA है उनका ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे अभी आपको हम लेके आए हैं, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे आपका ये वीडियो और दिखाएंगे आपको कि क्या है इसमें आपका एग्ज़ाम को रिलेटेड क्या है नोटिस, क्या कहा गया है यूनिवर्सिटी के तरफ से या कुछ नहीं कहा गया, अभी कब कहा जाएगा सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का एक कॉलम मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन का कॉलम है यहाँ पे, तो एग्जामिनेशन का कॉलम पे जाके भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए ये जो आपको ऑफिशियल साइट पे हम दिखा रहे हैं अभी, आप ये खुद से भी आप देख सकते हैं, अपना जो फ़ोन है उससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका फ़ोन है तो आप अपना फ़ोन में जाइएगा, गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा, गूगल क्रोम पर यहाँ पर सर्च बार पर जाके आप WBUTTPA सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार आपका जो ये पेज खुलेगा, यहाँ पे इस प्रकार पेज खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए यह इसका ऑफिशियल साइट है WBUTTPA का, तो इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये इसका ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। देखिए आपको करके दिखा रहे हैं खोल के, तो देखिए इनका ऑफिशियल साइट खुल गया। इस ऑफिशियल साइट पे देखिए यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन कॉलम मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए ये एग्जामिनेशन कॉलम में देखिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम एडमिट कार्ड और यहाँ पे बीएड प्रोग्राम पैटर्न क्वेश्चन, यहाँ पे एमफिल और क्वेश्चन पेपर एमएड का है, क्वेश्चन पेपर बीएड का है। तो देखिए यहाँ पे कोई नोटिस अभी जारी नहीं हुआ है एग्जामिनेशन को लेके। तो चलिए ये नोटिस आपको कहाँ से मिलेगा, अभी जो एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ नोटिस जारी हो क्या नहीं वो कहाँ से आप चेक कीजिएगा, तो आप हमेशा इसको चेक करते रहिएगा तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, न था आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से भी आपको बीएड रिलेटेड पल पल अपडेट मिलते रहते हैं, WBUTTPA का हो या फिर वर्धमान यूनिवर्सिटी का हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, तो यहाँ से आपको सारा का लेटेस्ट अपडेट जितना भी रहता है बीएड रिलेटेड सारा कुछ आपको यहां से मिलते रहता है, एग्जाम को लेके या फिर आपको प्रैक्टिकम को लेके सारा कुछ यहां से आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें आपको एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हम आपके लिए इस तरह से लेटेस्ट वीडियो बना बना के लाते हैं मेहनत करके, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आई होप आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, नहीं किए तो फिर से बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो देखिए यहाँ से आप देख लिए कि अभी देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन में कोई आपका नोटिस नहीं है, उसके बाद देखिए आप करंट नोटिस यहाँ पे एक सेक्शन है, इस करंट नोटिस में जब भी आप जाइएगा तो यहाँ पे जितने भी करंट नोटिस होते हैं एग्जामिनेशन को लेके या फिर आपका कोई सेमिनार हो उसको लेके या फिर कोई नोटिस हो उसको लेके सारा आपका नोटिस ये WBUTTPA का ऑफिशियल साइट है, इनका जितना भी करंट नोटिस जारी होता है ये इस सेक्शन में ही आपको यहाँ पे मिलेगा, करंट नोटिस सेक्शन में आप जाइएगा यहाँ से आप देख पाइएगा। तो देखिए अभी करंट नोटिस में आपका क्या नोटिस जारी हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए करंट नोटिस में यहाँ कहा गया है स्टूडेंट वीक सेलिब्रेशन पोस्टर
कंपटीशन, यानी कि अभी जो कंपटीशन हुआ था उसको, वीकली कंपटीशन हुआ था स्टूडेंट के बीच में, उसको लेके नोटिस जारी हुआ है। और यहाँ पे और एक नोटिस है, देखिए उसके नीचे ही यहाँ पे कहा गया, स्टूडेंट बिग सेलिब्रेशन 2022 कंपटीशन रिजल्ट, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है, जो भी उनका कंपटीशन हुआ था वीकली कंपटीशन स्टूडेंट के बीच में उनका। और अभी देखिए इसके नीचे और आइए, नीचे भी आपको देख पाइएगा यहाँ पे अभी आपका कोई नोटिस है कि नहीं एग्जाम को लेके। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, इसको पहले ओपन करके आपको दिखा देते हैं इस नोटिस में क्या कहा गया है। तो चलिए इस नोटिस में देखिए क्या निकल रहा है सामने, वो भी देख लेते हैं इसको ओपन करके। तो देखिए ये ओपन हो रहा है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको दिखा देते हैं ये भी आपका नोटिस में क्या कहा गया है। तो सारा नोटिस जो आपका ये नोटिस सेक्शन में ही मिलेगा, जो भी रिलेटेड पीयर रिलेटेड हो या फिर एग्जाम रिलेटेड हो, सारा कुछ आपको वहाँ से देखिए। स्टूडेंट द स्टूडेंट एज द यहाँ पे जो भी आपका प्रैक्टिकम एक ड्राइंग का कंपटीशन रखा गया था, उसका जो यहाँ पे देखिए अभी रिजल्ट जारी हुआ है, ड्राइंग में कौन कौन क्या क्या ड्राइंग किया है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और देखिए उसमें रिजल्ट भी जारी किया गया है कि कौन सा स्टूडेंट क्या पास, कौन फर्स्ट हुए कौन सेकंड हुए, तो देख लीजिए यहाँ से वो भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कौन फर्स्ट हुआ कौन सेकंड हुआ है। और यहाँ पे ये ड्राइंग आपको दिखाया गया है कि कौन सा स्टूडेंट क्या क्या ड्राइंग किए थे, कैसे ड्राइंग किए थे। तो देखिए यहाँ पे ये दिखा दिए आपको और ये डाउनलोड हो रहा है। देखिए अभी आपका रिजल्ट उसका जो कंपटीशन हुआ था आपका ड्राइंग को लेके, उसका रिजल्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट वीक 2022 सेलिब्रेशन, यहाँ पे देखिए इजी कंपटीशन हुआ था, इसमें जो फर्स्ट किया उनका नाम है, सेकंड किया उनका नाम है, थर्ड किया उनका नाम है। तो यहाँ पे देखिए अभी आप ये सब देख के आपको कोई फायदा नहीं, ये सब आपका रिलेटेड नहीं है, तो आप ये सब मत देखिए। अभी आपको जो हम इस वीडियो में बताने वाले थे वो मेन टॉपिक पे आते हैं, वो बताते हैं। तो देखिए अभी आपका जो यहाँ पे करंट नोटिस पे देखिए, कोई करंट नोटिस पे यहाँ आपको बीएड रिलेटेड कोई नोटिस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि अभी आपका बीएड रिलेटेड कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा या थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा या फिर आपका जो रिजल्ट जो है वो सब कब जारी होगा। इससे रिजल्ट या आपका एग्जामिनेशन लेके कोई नोटिस अभी जारी नहीं हुआ। तो देखिए थर्ड सेमेस्टर का अभी जो एग्ज़ाम रिलेटेड कोई नोटिस नहीं है, यानी कि आप समझ लीजिए कि अभी 31 तारीख तक जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल के, सारा कुछ अभी 31 तारीख तक, 31/1/2022 तक अभी बंद है। तो अभी हमको लगता नहीं कि ये आपका 31 तारीख तक कोई एग्जामिनेशन रिलेटेड नोटिस देगा आपको बीए रिलेटेड, क्योंकि अभी तो आपका एग्ज़ाम जो है इन लोग का एग्ज़ाम चालू हुआ है, जितने भी जो कॉलेज स्कूल स्कूल के जितने भी कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं जैसे कि बीए बीएससी कर रहे हैं उन लोग के लिए एग्ज़ाम नोटिस जारी हुआ, तो उन लोग का एग्ज़ाम हो रहा है। तो अभी देखिए आप लोग का बीए रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम नहीं होने वाला है ये 31 तारीख तक, और आपका जो ये एग्ज़ाम होगा तो आपका फरवरी में ही होगा होने का संभावना है, क्योंकि हम जो कॉलेज से बात किए थे कॉलेज वाले का भी कहना है कि देखिए ये यूनिवर्सिटी ही इसका नोटिस जारी करेगा तभी आपको पता चलेगा। और यूनिवर्सिटी में भी बात किए तो यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि आप हमारे जो ऑफिशियल साइट है उसको चेक करते रहिए, वहीं से आपका सारा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ऐसे फ़ोन करने से कुछ पता नहीं चलेगा, तो आप ऑफिशियल साइट को चेक करते रहिए। तो ऑफिशियल साइट पे हम हमेशा चेक करते रहते हैं और आप लोग के लिए कुछ नया नोटिस आता है तो आप लोग को बताते रहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़े रहिए और बीएड रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको सबसे पहले हम पहुँचाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी जो है आपका ये 31 तारीख तक आपका एग्ज़ाम होने का संभावना नहीं है बीएड थर्ड सेमेस्टर का, और आप अभी जो 31 तारीख के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी में होगा या फिर नहीं होगा। तो अभी आप वेट कर लीजिए 31 तारीख तक, उसके बाद कोई नोटिस आता है तो आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे कि क्या कहा जाता है नोटिस में। तो देखिए अभी तक संभावना जो लग रहा है वो फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने का संभावना है, क्योंकि अगस्त तक आपका जो है थर्ड सेमेस्टर का एक मतलब अगर आप बीएड कर रहे हैं 20-22 सेशन अगर आपका है तो आपका अगस्त तक आपका बीएड कंप्लीट कर देगा ये यूनिवर्सिटी। तो आपका अगस्त तक कंप्लीट करने के लिए उनको फरवरी में एग्ज़ाम लेना होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आने में कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद फिर फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम है। तो आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका फरवरी में होने का ज़्यादा संभावना है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अभी आप लोग अगर बीएड कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में जिस भी सेमेस्टर में हैं, आप लोग को कॉलेज से अभी प्रैक्टिकम को लिख के रखने के लिए कहा गया है, तो आप लोग उसको सबसे पहले रेडी कर लीजिए। अभी तक नहीं लिखे तो आप लिखने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको वहाँ पर मांगा जाएगा प्रैक्टिकम और असाइनमेंट को सबमिट करने कहा जाएगा, एग्ज़ाम के 2-4 दिन 10 दिन टाइम दिया जाएगा, उसके बाद ही मांगा जाएगा। तो इसीलिए आप उसको पहले से रेडी करके रखिए ताकि आपका जो है सुविधा हो सका, आप उस सुविधा हो आप उस टाइम में उसको देख के आपको लिखने में तकलीफ ना हो, पहले से लिख के रखिएगा रेडी करके, तो आप उस टाइम में सबमिट कर सकिए। तो
तो देखिए, अगर आप नहीं लिखे हैं अभी तक तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे बीएड सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थर्ड बोल के सारा प्रैक्टिकम का सॉल्व पेपर अपलोड किया गया है, बना हुआ है वीडियो, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर बोल के सारा सेमेस्टर का वीडियो वहाँ पर मिलेगा आपको, वहाँ से देख के आप लिख सकते हैं और लिख के अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं घर बैठे। अभी आप वहाँ से देख के लिख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं नहीं देखे हैं अगर आप अभी तक वो सारा वीडियो, तब एक बार जरूर देख ले, प्लेलिस्ट चेक कर ले। तो चलिए, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार का लेटेस्ट और भी अपडेट लेके आपके लिए आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।